उत्तराखंड के हरिद्वार में ग्रामीणों से कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने आज अपने आवास पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें लक्सर व हरिद्वार सहित दर्जनों से अधिक पत्रकार मौजूद रहे। विधायक अनुपमा रावत ने बताया कि उनके द्वारा सीएम को पत्र भेजकर लालढांग में सिडकुल की स्थापना कराए जाने की याद दिलाई गई है। कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने कहा कि भाजपा द्वारा पूर्व में लालढांग न्याय पंचायत में सिडकुल की स्थापना करने की घोषणा की गई थी। विधायक अनुपमा रावत ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र के माध्यम से सिडकुल की स्थापना कराने की याद दिलाई है। उन्होंने कहा कि लाल ढांग न्याय पंचायत में सिडकुल स्थापित होने पर विकास की नई गंगा बहेगी। देखिए, 20/4/2023 को माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोगों की विपक्ष के विधायकों की बैठक देहरादून में आउट हुई, जिसमें मैंने ये मुद्दा कि सिडकुल में जो है सिडकुल की स्थापना की जाए न्याय पंचायत लालढांग में, और उनको एक चिट्ठी भी उसमें पत्र लगाया कि आपका ये मुख्यमंत्री घोषणा का चिट्ठी जो है पत्र इसमें संलग्न है। लेकिन आज 8 महीने हो गए और उन्होंने उसमें कार्रवाई के निर्देश भी दिए कि जिलाधिकारी जो हैं इसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए आगे करें, लेकिन 8 महीने हो गए आज तक कार्रवाई नहीं हुई। आज इतना बड़ा ग्लोबल समिट हुआ, इतनी बड़े इन्वेस्टमेंट को लाने की बात हो रही, तो मैं तो कह रही हूँ, मैं तो आपको आपकी खुद की घोषणा को याद दिला रही हूँ कि उस घोषणा को याद करते हुए आप लालढांग में लगाइए ना, फैक्ट्री लगाइए, लोगों को यहाँ देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।